अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और पूरी वीडियो देखनी है। इसमें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अगर कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो यकीनन कोई ना कोई बात आप लोगों से मिस हो जाती है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है और उसके बाद मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और जो मैं आप लोगों को चीज़ बताऊंगी उसको आप लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, ठीक है जी। अब हम ये देख लेते हैं कि हर कोई ये तो चाहता है कि उसकी स्किन जो है अट्रैक्टिव नज़र आए, गॉर्जियस नज़र आए, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारी स्किन अगर ऑयली है तो हमने क्या अप्लाई करना है, ड्राई है तो हमने क्या अप्लाई करना है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए दोनों स्किन टाइप्स के लिए मास्क लेकर आई। अपने एक बाउल में एग ले लेना है। एग में आप लोगों ने जस्ट एग की सफ़ेदी लेनी है, जर्दी आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है जी। और इसको आप अच्छे तरीके से किसी भी बाउल में डाल के फेंट लेंगे, ठीक। मैंने एक बाउल में एग ले लिया था। एग को मैंने अच्छे तरीके से शेक कर लिया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है। इसके भी लिए देखें, इस तरह से झाग आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने तो इसको स्पून से ही शेक किया। आप किसी भी चीज़ से इसको शेक कर सकते हैं। आप एग बीटर ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं एग को शेक करने के लिए। जिस तरह से भी आप लोग करते हैं, ये आप लोग सूटेबल समझें, ठीक है। एग एक ही था, वैसे स्पून से भी हो जाता है। इस बाउल में मैंने कर लिया है, एक ही एग था। बल्कि आप हाफ ले लें, क्योंकि आप लोग अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो इतना हम लोगों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। ये है मेरे पास एक एग, ठीक है। आप उतना एग ले सकते हैं जितना भी आपको अपने फेस के लिए ज़रूरत है। ये वाइट जो एग का पार्ट है हम वो ले रहे हैं, येलो पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया था। और ये है बेसन। इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ और फिर वापस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। ये मेरे पास बेसन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें एग ट्रांसफ़र कर लिया था इस बाउल में, ठीक है जी। ये मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। इस तरह का इसका पेस्ट बन गया है, ठीक है। अब इसको हमने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। आप किसी ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप हाथ से भी कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा जी, ये मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। अब मैं ऐसा ऐसा इसका मसाज करूँगी। अगर आप अपने हाथ की मदद से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसका मसाज भी अच्छा हो जाएगा। ये मास्क है ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है, जिसमें हमने बेसन ऐड किया था और एग का वाइट पार्ट ऐड किया था। अच्छा, अब हमने इसको लगे रहने देना है टोटल 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। लगाने का ये तरीका है, इसको आपने फेस पे, हाथ पे, किसी भी जगह जहाँ भी आपने इसे अप्लाई करना है, आपने इस तरीके से इसका अच्छे तरीके से मसाज करना है, ठीक है। और हाथ को जब ये खुश्क होने लगे तो आपने हाथ को ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है। ये आपके स्किन को टाइट करेगा। अच्छा जी, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी फिंगर के ऊपर लगा हुआ ही सूख चुका है। इसने मेरी स्किन को काफ़ी टाइट कर लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपने हैंड को हिलाना नहीं है, इसको आपने इसी तरह से रखना है और फिर आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद हम वापस आते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास एग की 3 टीस्पून्स हैं तो आपने जैतून का तेल उसका हाफ ऐड कर देना है इसमें, ठीक है जी। सेकंड इंग्रेडिएंट जैतून का तेल है, वो आपने सेकंड ऐड कर देना है इसमें। और मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर 3 ही टेबल स्पून्स है, तो मैं 3 टेबल स्पून से जो जैतून का तेल ऐड करूँगी वो इसका हाफ होगा, यानी 1.5 टेबल स्पून मैंने जैतून का तेल ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। ओके जी, मैंने इसमें जैतून का तेल ऐड कर लिया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा येलो। अब हमने इसके बीच में सही तरीके से इसको शेक करना है ताकि दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है जी। स्मेल भी इसकी ठीक है, ठीक है। और जब बेसन पड़ जाता है तो भी स्मेल नहीं आती, और जैतून के तेल से भी इतनी ज़्यादा स्मेल एग में नहीं रहती। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, सब जगहों पे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। हाथ से मैं इस वजह से, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। हाथ से मैं इस वजह से प्रेफर करती हूँ कि इससे आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्किन का मसाज भी कर सकते हैं, सब पोर्स में सही तरीके से चला जाता है, ठीक है।
और नेल्स के लिए भी अच्छा है। एग डाल के साथ में आप जैतून का तेल ऐड करके अपने नेल्स के ऊपर लाजमी इसके थोड़ी सी कर लिया करें, ठीक है? ये नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इसके अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है? अब ये वाला जो हमारा पेस्ट है ये इतना ज़्यादा उस तरह से जमेगा नहीं हमारी स्किन पे, नहीं बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं करेगा। ये है ही जिनकी ड्राई स्किन है ये उनके लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा जब ड्राई करेगा तो फिर आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा खुश्क होने लगेगी, ठीक है? जब ज़्यादा टाइट करेगा तो आपकी स्किन ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, इसलिए इसमें जैतून का तेल जो है वो इसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने देगा, नॉर्मल सा ड्राई होगा और आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो भी कम हो जाएगी। ऑयल जो है वो जब आपके पोर्स में जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी ड्राइनेस, ठीक है? आपने इसको भी वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है। सही हो गया? ड्राई स्किन वाले वैसे भी ऑयली सीरम्स अपने फेस पे अप्लाई करते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सीरम्स बनाना भी सिखाऊंगी, वो वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। सीरम्स जो हैं वो दोनों स्किन टाइप के लिए मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन से यूज़ करें, ठीक है जी? ऑयली के लिए भी बताऊँगी, ड्राई के लिए भी बताऊँगी। अच्छा, ये जो मैंने लगाया है जैतून का तेल और एग, ठीक है, इसका जो मास्क बना है हमारा, इसमें ये था कि इसको हम खुश्क होने देते हैं, तब तक मैं आपको साथ बता देती हूँ कि इस स्किन में ये है कि ये वाला जो मास्क है ये आप ड्राई स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इससे आपको मसला नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी हो जाए आपने फ़ौरन से मुझे बता देना, सही है, मैं उसका इलाज कर दूँगी। अच्छा जी, और जो हमारे पास बेसन वाला मैंने आपको बताया था, ये जस्ट जिनकी ऑयली स्किन है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है? ऑयली स्किन वाले अपनी स्किन के ऊपर बेसन वैसे भी लगाते रहा करें, ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर किसी की ड्राइस्ट स्किन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो वो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, ड्राई स्किन वालों के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लोशन रिकमेंड करना है जो है पॉन्ड्स का, ठीक है? नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा जी, ये पॉन्ड्स का लोशन है हमारे पास, ये वाला, तो ये आप लोगों ने यूज़ करना है। सही हो गया? ये बहुत ही अच्छा लोशन है, ये ड्राई स्किन के लिए गर्मियों सर्दियों के लिए बेस्ट लोशन है, सही है? मैं तो इसी को रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को। हाँ, आप लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर विंटर कलेक्शन आ जाती है तो आप विंटर में आ जाता है तो आप विंटर ही ले सकते हैं, अगर समर्स में आ जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं, नो इशू, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ समर में भी, विंटर्स में भी यही वाला मैं लोशन यूज़ करती हूँ। मेरी नॉर्मल स्किन है और सम टाइम ड्राई हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने पॉन्ड्स रखा हुआ है, तो मैं पॉन्ड्स ही यूज़ करती हूँ। सम टाइम इंसान की गर्मियों में भी ड्राई हो जाती है, वैसे जिनकी ड्राई होती है वो तो सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सम टाइम गर्मियों में भी हो जाती है, तो इट्स बेस्ट फॉर इट। चलें जी, तो अब मेरा जो मास्क है वो लाइट लाइट सा खुश्क होना शुरू हो गया है, अब मैं इस तरह करती हूँ कि इसको अच्छे तरीके इसको खुश्क कर लिया है, अब हम इसको वॉश करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको वॉश कर लिया है, अब मैं इसको टिश्यू से साफ़ करती हूँ, कोई भी आपने टिश्यू ले लेना है। अच्छा जी, ये हमने इसको साफ कर लिया है और देखें इसका क्या रिजल्ट आया, ये है आफ्टर और ये है बिफोर, तो रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो गए हाथ, ठीक है? असल में मैंने तो डबल लगा लिया है, मैंने वेट वाला भी लगाया है, ड्राई वाला भी लगाया है, मेरी स्किन में कोई मसला नहीं है ऐसा, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं दोनों तरह के यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब इसी तरह से आप लोगों ने भी इसको यूज़ करना है, उसके बाद आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक देना है कि क्या रिज़ल्ट आप लोगों को मिले हैं, ड्राई स्किन वालों ने क्या करना है, वेट स्किन वालों ने क्या करना है। मैंने दोनों तरह के आप लोगों को मास्क बताए हैं, सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, देन मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।